नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक वीडियो इस तरह के हम लेके आए हुए हैं जो कि ये चाइना मेड टीवी है, जिसमें कि इस तरह का फॉल्ट आ रहा है कि स्क्रीन हमारी टीवी के ऊपर साइड में केवल 4 इंच का ही रास्टर हमें दिखा रहा है, और ये बीचों बीच नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर हटके है, और ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है और बहुत ही परेशान कर देता है। इस तरह के फॉल्ट जब भी आते हैं तो इस तरह के फॉल्ट को ढूंढने में बहुत समय लग जाता है। तो इस तरह के फॉल्ट को ढूंढने के लिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें ख़राब हो सकता है और कहां कहां पर हमें टेस्टिंग करना चाहिए और किस तरह से इस तरह के फॉल्ट को दूर किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी ये चाइना मेड किट है, जो कि इसमें आईसी हमारी 11105 TDI 11105 लगी हुई है, और इसमें वर्टिकल सेक्शन में हमारी 78040 नंबर की आईसी लगी हुई है, और ये पावर सप्लाई, ये चाइना की पावर सप्लाई इसमें लगाई हुई है। और इसमें हम आपको दिखाते हैं कि ये इस तरह के फॉल्ट को किस तरह से दूर किया जाता है और किस सेक्शन से फॉल्ट आता है और ये कौन से कंपोनेंट के ख़राब हो जाने के कारण इस तरह के फॉल्ट आते हैं। तो चलिए हम जल्दी से इसमें सप्लाई देते हैं और सप्लाई देने के बाद आपको चेक करके दिखाते हैं और कहां कहां क्या क्या हमको चेक करना है सब आपको दिखाते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपके सुझाव हों आप सुझाव हमें दे सकते हैं। तो टीवी को हमने सप्लाई दिया है और ये देखिए इसमें इस तरह के वही ऊपर से 2 इंच 3 इंच के साइड में हमारी स्क्रीन आ रही है। तो जिसके लिए हमें सबसे पहले वर्टिकल सेक्शन की सप्लाई को चेक करना होगा, और ये वर्टिकल सेक्शन का ही फॉल्ट होता है। इस तरह के फॉल्ट जब ऊपर और नीचे साइड में कटा हुआ हो तो हमारा ये वर्टिकल सेक्शन का ही फॉल्ट होता है, और इसके लिए हमें वर्टिकल आईसी जो हमारी है जिसका नंबर होता है LA78040, जिसमें हमें सप्लाई चेक करना है। तो सबसे पहले हम पावर सप्लाई को चेक करेंगे, तो हमारी सप्लाई जो है पूरी तरीके से ठीक है। ये देखिए हमारे 14 वोल्ट सप्लाई, और ये हमारी ये रेगुलेटर की सप्लाई है, और ये हमारे साउंड सेक्शन की सप्लाई है। तो पावर सप्लाई हमारी पूरी तरीके से काम कर रही है, और जितना जिस सेक्शन को सप्लाई मिलती है वो हमारा SMPS पूरी सप्लाई हमें मिल रही है। तो ये हमारा वर्टिकल सेक्शन की आईसी है, और इसके 2 नंबर पिन पर हमें 15 वोल्ट सप्लाई मिलनी चाहिए, जो कि 15 वोल्ट सप्लाई इस पर आ रही है, और 3 और 4 नंबर पिन पे हमें माइनस वोल्ट आता है, और 6 नंबर पिन पे भी हमारी प्लस भी सप्लाई 14 वोल्ट या 15 वोल्ट आता है। तो जो हमारी 2 नंबर पिन पर सप्लाई आती है वही सप्लाई हमारी पिन नंबर 4 पर भी आती है, जो कि हमारी पूरी तरीके से पावर सप्लाई हमारी ओके है, और वर्टिकल सेक्शन में भी जो सप्लाई आ रही है वो भी हमें बराबर आ रही है। और ये हमारी आउटपुट पिन है, और जिसपे आप देख सकते हैं किसी तरह का कोई वोल्ट इस पर नहीं है, और आईसी पर जो 14 वोल्ट आने चाहिए वो हमारे वोल्ट बराबर आ रहे हैं पूरी तरीके से। तो देखते हैं कि हमारा फॉल्ट क्या है, कौन सा कंपोनेंट ख़राब है। तो इस तरह के फॉल्ट के लिए सबसे पहले तो आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी होता है, और जो नए हैं उनके लिए, बाकी जो पुराने जो मैकेनिक हैं उनको तो सब मालूम ही है, उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी आईसी की जो भी सप्लाई है वो पूरी तरीके से काम कर रही है, और ये हमारी आईसी सही भी है पूरी तरीके से। आईसी को हम चेक करके भी आपको दिखाएंगे कि कैसे चेक किया जाता है कि हमारी वर्टिकल आईसी सही है कि नहीं है। इसके लिए आप टीवी को ऑन रखना होगा, और टीवी जब ऑन रहेगी तो जो आईसी की 7 पिन हैं पिन के ऊपर से ऐसे हल्के से हाथ में पानी लगा के उंगली में उसको टच करना है, तो हमारी स्क्रीन बड़ी होगी। यदि स्क्रीन पर कुछ हलचल हो रही है या स्क्रीन बड़ी हो रही है तो इसका मतलब होता है कि हमारी आईसी पूरी तरीके से सही है। देखिए इस तरीके से, तो ये
स्क्रीन बड़ी हो रही है, इसका मतलब है कि हमारी आईसी पूरी तरीके से काम कर रही है, योग कॉइल हमारा पूरी तरीके से काम कर रहा है। यदि ये पिक्चर नहीं फैलती है यहाँ पर उंगली रखने से, तो ये समझ लेना चाहिए कि आईसी हमारी पूरी तरीके से ख़राब है। तो अब जब यहाँ पर हाथ उंगली रखते हैं तो हमारी पिक्चर बढ़ रही है। तो अभी हमको क्या करना है, ये जो हमारे आईसी से पल्स आते हैं वर्टिकल सेक्शन के लिए, इन दोनों को हमें चेक करना है। तो इन दोनों पे हमें आधा वोल्ट के आसपास दोनों पिनों पर आने चाहिए, दोनों पॉइंट पर, जो कि यहाँ एक 10 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिससे यहाँ पर सब पल्स को आईसी को दिया जाता है। तो ये दोनों पिनों पर लगभग आधा वोल्ट सप्लाई यहाँ पर आ रही है। इसका मतलब कि ये जो आईसी से पल्स आ रही हैं, ये पल्स हमारी पूरी तरीके से आ रही हैं। तो यहाँ इस रेजिस्टेंस के माध्यम से ये जो वर्टिकल सेक्शन की पल्स आती है वो हमारी आईसी से आती है, और ये पूरी तरीके से यहाँ पर ये ओके है। और ये जो सिग्नल वर्टिकल सेक्शन के आते हैं, जो हमारा वर्टिकल सेक्शन आता है मेन आईसी से, वो हमारा आईसी से आ रहा है। तो अब यहाँ पर जब यहाँ मीटर रखते हैं या उंगली रखते हैं तो हमारी स्क्रीन पर कुछ हलचल सी होती है, स्क्रीन पर रिट्रेस लाइन जो है आने लगेगी यहाँ पर टच करने से। तो इसका मतलब है कि हमारा सिग्नल यहाँ से बराबर जा रहा है। तो ये हमारे मोबाइल के कैमरे से बराबर दिख नहीं रही है, जिससे कि हम आपको नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पर टच करने पर हमारी रिट्रेस लाइन स्क्रीन पर आ रही है, इसका मतलब यहाँ से सिग्नल आईसी से यहाँ सिग्नल जा रहा है। तो ये हमारा फॉल्ट अब ये इस आईसी से संबंधित है। तो हमारा वर्टिकल सेक्शन पूरी तरीके से ओके है, और ये फॉल्ट अभी इस आईसी जो TDA 11105 PS की आईसी लगी हुई है, जो कि ये हमारा फॉल्टी हो सकता है। ये हमारा सेक्शन वर्टिकल सेक्शन हमारा ओके है। तो अब ये जो यहाँ से पल्स आते हैं वो हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि इस आईसी में कहाँ पर ये फॉल्ट हो सकता है। बाकी यहाँ पर जो हमें सप्लाई आती है, और हम सप्लाई को भी चेक कर लेते हैं, जो हमारे ट्यूनर पर ये 5 वोल्ट सप्लाई आती है, जो कि बराबर है, 5 वोल्ट सप्लाई हमारी आ रही है। तो अब इस आईसी से संबंधित कोई रेजिस्टेंस या कोई पीएफ या कोई कैपेसिटर ही ख़राब होगा, तो जिसको हम चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद जब हम इस फॉल्ट को ढूंढ लेंगे तो आपको हम कुछ दिखाएंगे कि फॉल्ट कहाँ पर था और किस तरह का फॉल्ट था। तो अभी ये देखिए हमारी फ्रॉम आईसी है, जिसको मेमोरी आईसी कहते हैं, जिस पर सप्लाई हमारी बराबर आ रही है। तो ये मेमोरी आईसी का भी फॉल्ट हो सकता है, तो हमने मेमोरी आईसी को भी चेंज करके देखा है, और मेमोरी आईसी को चेंज करने के बाद भी ये फॉल्ट हमारा बना हुआ है, और सारी सप्लाइयाँ सारे वोल्टेज हमारे ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। जब सारे सेक्शन और सारी सप्लाइयाँ हमारी पूरी तरीके से काम कर रही होती हैं, तो इस प्रकार हमें फॉल्ट को ढूंढना और ही मुश्किल हो जाता है। तो हमने इस फॉल्ट को ढूंढ लिया है, और हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन सा कंपोनेंट ख़राब था जिसके कारण से इस तरह का फॉल्ट हमें मिल रहा था। तो ये हमारी आईसी की एक नंबर पिन है, जिसमें ये 10 नंबर पिन पर ये जो 10 नंबर पिन है, इस पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि वो एक सिरा इस पिन नंबर 10 पर लगा हुआ है और दूसरा सिरा हमारा ग्राउंड है। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, और जिसको हमने यहाँ पर चेक किया, और इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ गई है, जिसके कारण से इस तरह का फॉल्ट आ रहा है। तो हम आपको इसकी देखिए इसमें दिखाते हैं, और ये रेजिस्टेंस यहाँ हमारा लगा हुआ है, और इस पर दो पीएफ भी लगे हुए हैं। तो हमने इसको जब चेक किया तो इसकी वैल्यू हमें ज़्यादा दिखा रहा है, तो हम इसको निकाल करके चेक करते हैं, और चेक करके आपको दिखाते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी
मीटर पर आ रही है और ये कितनी होनी चाहिए, तो इसके कारण से भी इस तरह के फॉल्ट आ जाते हैं। तो जब कभी भी इस तरह के फॉल्ट आएँ और सारी सप्लाइयाँ सारे सेक्शन ओके मिलें, तो इसी तरह से कंपोनेंट को चेक किया जाता है और फॉल्ट को निकाला जाता है। तो मीटर को हम 200 के रेंज में रखते हैं और ये हमारा 68 ओम यानी 68 के दिखा रहा है, जो कि इसकी वैल्यू 39 के यानी 39 के होनी चाहिए, जो कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। तो अब इसमें हम आपको कलर कोड दिखाएं तो कलर कोड इसका मिट गया है, जो कि दिख नहीं रहा है, नहीं तो इसमें केवल वाइट एक दिख रहा है, एक कलर, बाकी कोई कलर इसमें नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से ये 39 के का रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस को हम दूसरा एक पुराना निकाल कर रखे हैं, जो कि हम इसकी वैल्यू को चेक करके दिखाएंगे, जो कि 39 के का है और ये 39 के या 38 के, 38 के या 39 के, इसकी वैल्यू आएगी 38 के, इसकी वैल्यू आ रही है, जो कि हम इसको लगा करके देखेंगे तो हमारा फॉल्ट पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। तो इस तरह के फॉल्ट को ढूंढने के लिए इसी तरह से जब सारे सप्लाइयाँ सारे सेक्शन ओके हैं, तो जो भी सर्किट में जो रेजिस्टेंस या जो झीनर डायोड वगैरह लगे होते हैं, उनके शॉर्टिंग के लिए उनको चेक किया जाता है और जो ग्राउंड किया हुआ होता है उसको भी चेक किया जाता है। कभी कभी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है या अधिक हो जाती है, तो इस तरह के फॉल्ट हमें देखने को मिलते हैं और वो फॉल्ट ढूंढने से जल्दी मिलते नहीं, इसके लिए उन्हें काफ़ी समय लगता है। तो यहाँ पर हम वो रेजिस्टेंस लगाते हैं और लगाने के बाद टीवी को चेक करेंगे, तब देखेंगे हमारा फॉल्ट दूर होता है या नहीं। तो इस तरह के फॉल्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह के वीडियो हम दोबारा फिर से लेके आते रहेंगे आपके लिए। रेजिस्टेंस को हमने रिसोल्व कर लिया हुआ है और फिर से अब इसमें सप्लाई दे करके हम देखते हैं कि हमारा फॉल्ट दूर होता है नहीं। हमने टीवी में सप्लाई दिया और ये देखिए हमारे फॉल्ट पूरी तरीके से दूर हो चुका है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।